ये मौसम, ये नदियाँ, ये नदी का किनारा। सूरज भगवान से आप लोगों को नजरें मिलवा देता हूँ, घर में तो मिला नहीं रहा आप लोग, किधर गए भगवान? अच्छा इधर। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भिंडी से पंगा ना लूँ कि दोबारा में पानी चढ़वाना पड़े। मेरी 2:30 बजे नींद खुली रात में, तो मैं देखा कि अब तो इंडिया हारी गई होगी, लेकिन स्कोर कार्ड देख लेता हूँ। राधे राधे आप सभी को, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और एक बात और, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मैं सोचा कि इंडिया हार जाएगी, बट इंडिया जीत गई है 6 रन से। मजा आ गया देख करके, सुकून मिला। मेरी 2:30 बजे नींद खुली रात में, तो मैं देखा कि अब तो इंडिया हार ही गई होगी, लेकिन स्कोर कार्ड देख लेता हूँ। लेकिन देखा बुमराह मैन ऑफ द मैच, और इंडिया 6 रन से जीत चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, उतना कम स्कोर में इंडिया जीत गई। 113 रन ही वो लोग बना पाई। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मैच देख करके। फिर मैं हाईलाइट देखा, हाईलाइट देख करके और काफ़ी ज़्यादा आनंद आया। और एक बात कि हम अभी जा रहे हैं दोस्तों साइड पे, जिस साइड से वापस आए थे उधर ही जा रहे हैं। हालांकि दूसरी जगह जाना था, लेकिन वहाँ का प्लान कैंसिल हो गया, इसीलिए हम नए जगह जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना प्यारा ब्लॉग शुरू करते हैं और आज की यात्रा शुरू करते हैं, बाकी आगे का वीडियो जारी रहेगा। दोस्तों जैसे 4-5 दिन पहले बहुत धूप था, बहुत गर्मी थी, आज फिर वही धूप, वही गर्मी, वही असर दिख रहा है। देखिए कितना तेज धूप है। देखिए सूरज भगवान से आप लोगों को नजरें मिलवा देता हूँ, घर में तो मिला नहीं रहा आप लोग, किधर गए भगवान? अच्छा इधर। इतना तेज धूप है, इतना ज़्यादा तेज कि क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। देखिए ये मौसम, ये नदियाँ, ये नदी का किनारा, ये डूबने का मेरा मन नहीं है सहारा। और टाइम हो चुका है, कितना बज गया है? अभी बज गया 1:30 बज गया यार, 1:22 हो गया, 1:20 हो गया, 1:15 बज गया गाइस। तो चलते हैं, मेरा भी 1-2 घंटे का काम और है, उसके बाद निपटा करके फिर हम लोग नोएडा जाएंगे। नोएडा पहुँचते पहुँचते लगता है रात हो जाएगा। आ गए, चलिए हमारी गाड़ी आ गई दोस्तों, तो पहुँचते हैं प्लांट, करते हैं कार्य। थोड़ा आए थे अपना PG पे, काम था मेरा। दोस्तों हमारी छुट्टी हो चुकी है और हम निकल चुके हैं, और टाइम हो चुका है अभी 5:13। और देखिए हनुमान जी कैसे उड़ रहे हैं, आगे आगे हमारे, हम इनके पीछे पीछे। अभी भी मौसम देखिए, धूप बहुत तेज है। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी रोज के भांति, इधर 3-4 दिनों से कम गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा था, समथिंग 42-43 डिग्री टेम्परेचर था आज। 44 डिग्री टेम्परेचर था, मैं तो 42-43 ही बोल रहा हूँ। तो आज थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी थी, बाकी उतना गर्मी नहीं था। बाकी हम पहुँचते हैं ग्रेटर नोएडा और पकाते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने रूम पर, और आते ही मैं देखा हूँ खाना। खाना देख करके थोड़ा मूड मेरा थोड़ा अपसेट हो गया है, क्योंकि खाने में है भिंडी की सब्जी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा नहीं भाती है, बिल्कुल भी नहीं, और इसमें है रोटी। तो मेरी भिंडी की सब्जी खाने से मेरी तबीयत इतनी गड़बड़ हो जाती है कि मुझे पानी वानी सब चढ़ाना पड़ता है, जैसे कि पिछले 1-10 दिन पहले चढ़ा था मेरा पानी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भिंडी से पंगा ना लूँ कि दोबारा में पानी चढ़वाना पड़े, इसीलिए मैं ले आया हूँ अपने लिए प्यारा सा मैगी। ये देखिए ये मैगी कम, अब इसमें नाम हो गया है 2 मिनट, इंस्टेंट नूडल्स टेस्ट, पता नहीं फलाना ढिमाका, बहुत सारा नाम अपना नूडल। अब इसका मैगी से नाम हटा करके नूडल कर दिया। अब देखते हैं नूडल बुडल कैसा लगता है। नूडल बनाते इसमें क्या है भाई, इसमें लगता है दही रखे हैं चाचा जी, छोटा थोड़ा बहुत करके। तो चलिए हम अपना ये मैगी बनाते हैं और मैगी रोटी खाते हैं दोस्तों, क्योंकि भिंडी की सब्जी मेरी बस की नहीं है। मैं सोचा था कि आऊँगा तो खाना बनाऊँगा अपने हाथों से, लेकिन लेट हो गया मैं, अभी 8 बज रहे हैं, मैं 8 बजे पहुँचा हूँ। तो चलिए फिलहाल मैगी बना लूँ, मैगी बना करके आप लोगों को भी दिखाऊँ, ललचाऊँ और मैं खाऊँ। तो फाइनली दोस्तों मेरा मैगी बन करके रेडी हो गया है, और आप लोग देख सकते हैं ये मैगी, सोयाबीन डाल करके मैगी बनाया हूँ। लेकिन जो मैं मैगी लेकर के आया था उसका पैकेट पे थोड़ा मुझे डाउट था, वो खुला हुआ पैकेट लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो मसाला था ना वो कटा हुआ था, फटा हुआ था पैकेट। हमको लगता है कोई लिया होगा और का क्या होगा चिपका करके वापस रख दे दिया होगा, इसीलिए वैसा खुला हुआ लग रहा था। देख सकते हैं आप लोग, एक मैगी का पैकेट में इतना कम मैगी तो आता नहीं है, ज़्यादा ही आता है। एक मैगी के पैकेट में 2 लोग आराम से खा सकते हैं अगर सोयाबीन डाल दिए तो। देखिए सोयाबीन डालने के बावजूद भी इतना कम लग रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हमारा ये रोटी बना हुआ था, चाचा जी रोटी बना के गए हैं, तो चलिए मैगी रोटी निपटाते हैं दोस्तों, देखते हैं मैगी रोटी खा करके कैसा लगता है, और आप लोगों को भी हम अपना मैगी रोटी का फीडबैक देते हैं फिलहाल। वैसे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैं मैगी बढ़िया ही बनाया हुआ, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा ना, चेक करके कि कैसा लगता है, नहीं लगता है जो ठीक है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले भगवान जी के नाम का भोग लगाता हूँ,
जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधा वल्लभ श्री वंश, जय श्री राधे कृष्णा। अब हम भोग लगाते हैं दोस्तों। शानदार, स्वादिष्ट, लाजवाब, बेहतरीन, बेसबक, गजब से गजब। बहुत दिन के बाद भी मैगी बना रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वाद है दोस्तों। तो चलिए खाना खाते हैं, और खाना खा करके उसके बाद हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। फिलहाल इसको जल्दी जल्दी निपटा दें, क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है। तो फाइनली दोस्तों, मेरा खाना पीना तो हो चुका है, और अब टाइम हो चुका है मेरा मिनी ब्लॉग का वॉइस ओवरिंग करने के लिए। क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग का तो वॉइस ओवरिंग करके मैं अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन मिनी ब्लॉग का वॉइस ओवरिंग करके अपलोड नहीं किया हूँ। सॉरी, लॉन्ग ब्लॉग का वॉइस ओवरिंग नहीं करता, मतलब लॉन्ग ब्लॉग एडिटिंग करके अपलोड कर दिया हूँ, और मिनी ब्लॉग का वॉइस ओवरिंग बचा हुआ था। वॉइस ओवरिंग करने के लिए बैठा हूँ, अभी 10 बज चुका है, खाना भी खाया हूँ, खाना खा करके मम्मी से बात किया हूँ, उसके बाद अभी बस वॉइस ओवरिंग करने के लिए अपना माइक वाइक सेट करके रखा हूँ। तो सोचा हूँ कि अपना ब्लॉग भी समाप्त करते हैं, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं कि हम वॉइस ओवरिंग भी करते हैं। तो चलिए, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से कल वाले ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।